स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग भेड़ी जंगल होते हुए छितौनी के तरफ मैं आप लोगों को ले चलूँगा, जो कि एक ब्रिज है जो काफ़ी पुराना है, जिसे मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। छोटा ही है लेकिन इसे लोग नदी मानते हैं। जैसे कि मैं फिलहाल अभी यहाँ पे देख रहे होंगे, जो नहर है ये तो भेड़ी जंगल का नहर है। ये जो पुल देख रहे हैं आप लोग, इस पुल के नीचे ठंड के दिन में काफ़ी ज़्यादा मधुमक्खियाँ इस पे छाता लगाती हैं, जिसे आसपास के गांव के बच्चे आकर निकाल कर काफ़ी आनंद उठाते हैं, खाते हैं। और ये जो पुल देख रहे हैं आप लोग, इसके जस्ट दक्षिण की तरफ आप लोग जाएंगे तो एक नदी के जैसा बहुत ज़्यादा धंसा हुआ, मतलब धंस गया है। पहले वो गाँव हुआ करता था, अभी धंस गया है, नदी जैसा बन गया है। अभी आप लोगों को हम आगे दिखाते हैं। इस गांव का नाम है भेड़ी जंगल, इसे भेड़ी जंगल बोला जाता है। पहले काफ़ी यहां पे चोर चक्के रहा करते थे। ये जो पुल था, पुल पे ही चोर रहा करते थे। काफ़ी ख़राब रास्ता हुआ करता था, अभी रोड बन गया है, काफ़ी डेवलप हो चुका है, लेकिन पहले यहां पे बहुत ज़्यादा चोर रहा करते थे। और फाइनली ये जो दिख रहा है, ये खेत जो फ़िलहाल अभी खेत दिख रहा है, लेकिन जब ज़्यादा बारिश होता है तो पूरा डूब जाता है। ये पहले गांव हुआ करता था। इसका बहुत बड़ा कहानी है, कभी किसी वीडियो में मैं इस गांव को कवर करूंगा और उसमें दिखाऊंगा अच्छी तरह, और आप लोगों को बताऊंगा इस गांव की कहानी कैसे डूब गया था। और अभी जो ये आप लोग आगे पुल देख रहे हैं, ये पहले पुल नहीं हुआ करता था। सिसवा बाज़ार आगे है, जिसे जाने के लिए लोग पैदल या नाव से इसको पार करके जाया करते थे, जिससे काफ़ी लोगों को दिक्कत उठाना पड़ता था। फिलहाल काफ़ी सही हो गया है, लेकिन फिर भी अब बारिश हो रहा है तो आगे बहुत ज़्यादा पानी लग जा रहा है, अब भी सामना करना पड़ रहा है दिक्कतों का। इसलिए जाना तो है हमें भी सिसवा की तरफ, इसलिए हम वो रास्ता छोड़कर ये रास्ता जाएंगे जो छितौनी के तरफ होकर जाता है। तो हम लोग चलेंगे छितौनी इसी रास्ते से, आप लोग वीडियो देखते रहिएगा। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी फ़िलहाल ये दूसरा वीडियो है, लेकिन मैं आगे रेगुलर वीडियो डालूँगा। और आप लोगों का सब रहा तो हम लोग इंडिया के कोने कोने, दुनिया के कोने कोने तक जाएंगे और आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे, जिसे शायद ही कोई ब्लॉगर मेरे हिसाब से, मैं जिस तरीके से दिखाऊंगा वो दिखा पाएगा। फ़िलहाल अभी स्टार्टिंग है, इसलिए अभी आप लोग एडजस्ट कीजिए। सो फाइनली यही है छितौनी का पुल, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सुंदर दिख रहा है, नीला आसमान, ऊपर नीचे पानी है वो भी नीला दिख रहा है। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं वीडियो देखते हुए, तो मुझे पता है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, क्योंकि मैं अपने एरिया गांव का जगह दिखा रहा हूँ, कोई भी नहीं दिखाता है। और मेरे बोलने में बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी मुझे पता है। अगर आप लोगों को वाकई पता है कि हम